ये वो देख वो देख वो देख वो देख। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, समुद्र के अंदर रेड कारपेट पर बैठकर पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री मोदी की यह वीडियो और फोटो अब सोशल मीडिया में उनके फजीहत का कारण बनी हुई है। दरअसल दोस्तों, समुद्र में समाए द्वारिका के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी समुद्र के नीचे पानी में गए थे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी रेड कारपेट पर बैठकर पूजा अर्चना की, जो कि वीडियो में साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए समुद्र के अंदर भी रेड कारपेट बिछाई गई है, जो शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। दोस्तों, आप प्रधानमंत्री मोदी के लिए समुद्र के अंदर बिछाए गए इस रेड कारपेट को लेकर क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर साझा करें। आइए जानते हैं सोशल मीडिया यूजर्स वायरल हो रहे इस वीडियो और फोटो पर क्या कुछ बोलकर तंज कस रहे हैं। वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए नेहा सिंह राठौर लिखती हैं, ये मोर भी एक महीने में 5 किलो अनाज खाता है, अब नहीं खाएगा। आप भी महीने में 5 किलो अनाज खाते हैं ना। सपा नेता आईपी सिंह लिखते हैं, जल समाधि का रिहर्सल करते हुए चुनाव प्रचार के लिए वीडियो शूट किया गया, प्रभु बुजुर्ग को सतायु रखें। एक और यूजर लिखते हैं, अपने लिए समुद्र तल में रेड कारपेट बिछवाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने मोदी जी। एक और यूजर लिखते हैं, धुबराठी की वीडियो का असर ऐसा होगा लगा नहीं था। एक और यूजर लिखते हैं, दुर्योधन भी भीम के डर से पानी के अंदर बैठ गया था। पंकज लिखते हैं, गर्त में पहुंच गए लोकतंत्र को ढूंढने का प्रयास करते हुए। कॉमेडियन राजीव निगम लिखते हैं, कमाल के आर्टिस्ट हैं भाई, वीडियो शूट के बाद वॉइस ओवर भी खुद ही करते हैं। विनोद कापरी लिखते हैं, भर दिन फोटो वीडियो रील, दुनिया के इतिहास में इतना आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री नहीं हुआ होगा। समीर नाम के यूजर लिखते हैं, लगता है कि अब खुद को भगवान साबित करके ही मानेंगे साहब।